गुड मॉर्निंग चाइल्ड, आज हम हिंदी में सीखेंगे चैप्टर नंबर 4, मन करता है। आपको भी मन करता होगा कि मैं यहाँ घूमूं, ये खाऊं, वो खाऊं। फिर आपको क्या मन करता होगा? पढ़ने का मन करता होगा, लिखने का मन करता होगा। तो ये सब इस पोएम में आएगा। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मेरा मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और पूरे आसमान में क्या करूं? दौड़ लगाऊं, यहाँ घूमूं, वहाँ जाऊं, ऐसा मन करता है। मन करता है चंदा बनकर, क्या मन करता है? चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, यानी कि जोर करूं, सब तारों पर जोर लगाऊं। मन करता है बाबा बनकर, मन करता है बाबा यानी कि दादा, मन करता है दादा बनकर घर में सब पर घोंस जमाऊं, घोंस जमाऊं यानी कि जो मैं बोलूं वही ही सब लोग करें, जो मैं बोलती हूँ यानी कि आपके दादा जो बोलते हैं वही बात सबको माननी पड़ती है ना। तो इस कविता में भी ऐसा ही दिया गया है कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर घोंस जमाऊं, यानी कि जो मैं बोलूं वही ही होना चाहिए। उसके बाद है मन करता है पापा बनकर, मेरा मन करता है कि मैं पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बनाऊं, मूछ बनाऊं यानी कि आपने देखा है पापा की बड़ी बड़ी मूछें होती है ना, तो वैसी मैं भी मूछ रखूंगी। तो ऐसा इस पोएम में दिया गया है। फिर से एक बार पढ़ूंगी। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर यानी कि मन कहता है कि मैं सूरज बन जाऊं और आसमान में दौड़ लगाऊं। उसके बाद है मन करता है चंदा बनकर कि मैं भी चंदा बन जाऊं और सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, सब तारों को मैं भी अकड़ दिखाऊं, जैसे कि चंद्रमा आता है ना, तो वो सब तारों को अकड़ दिखाना चाहता है। उसके बाद है मन करता है बाबा बनकर यानी कि मन करता है कि मैं दादा बन जाऊं और पूरे घर में जो भी मैं बोलूं वही ही होना चाहिए। और उसके बाद है मन करता है पापा बनकर, मेरा मन करता है कि मैं पापा बन जाऊं और मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। तो यहाँ तक आपको नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।